नमस्कार दोस्तों, डिफेंशो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक साथ 6 मिसाइलें दागी हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले चीन की तरफ से लद्दाख सेक्टर के नो फ्लाई जोन में लड़ाकू विमान भेजे गए थे और भारत ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने की तैयारी कर ली थी। लेकिन भारत कोई एक्शन लेता उससे पहले ही चीनी लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए। और अब बताया गया है कि इसी दौरान भारतीय डीआरडीओ और थल सेना गुपचुप तरीके से एक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी में लगे हुए थे। और जब चीनी लड़ाकू विमानों की भारतीय सीमा में हलचल देखने को मिली तो इस मिसाइल को बनाने की प्रक्रिया को भी काफी तेज कर दिया गया, क्योंकि ये मिसाइल चीनी लड़ाकू विमानों को रोकने में बहुत ज्यादा कारगर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं QRSAM यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल की। आज इस मिसाइल के टेस्ट किए गए हैं और एक साथ 6 QRSAM मिसाइल दागी गई हैं। और दोस्तों, इस दौरान इस मिसाइल के लिए जितने भी टारगेट फिक्स किए गए थे और वो बहुत ही हाई स्पीड टारगेट थे जो कि ग्लाइड कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 6 के 6 मिसाइलों के टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहे हैं और जितने भी पैरामीटर्स और टारगेट इस मिसाइल ने अचीव करने थे वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिसाइल ने अचीव भी किए हैं। और सबसे अच्छी बात इस मिसाइल की यह है कि सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट किए गए हैं। अब इन्हें भारतीय सेना में शामिल करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों और सैन्य बेसों की सुरक्षा करेगी, साथ ही चीनी लड़ाकू विमानों के हमले से भी बचाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आपने इस मिसाइल के नाम में सुन ही लिया होगा कि क्विक रिस्पॉन्स यानी कि तुरंत एक्शन लेते हुए दुश्मनों के टारगेट को तुरंत भांप करके दुश्मनों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। और एक और बात दोस्तों, ये मिसाइल इतनी ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी पूरी तरीके से भारत में ही बनी है और तो और ये भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा रहा है। और अब आने वाले समय में चीन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि चीन भारतीय सीमाओं में अपने लड़ाकू विमानों को भेजने की गुस्ताखी नहीं, तो जैसे ही चीनी लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं के अंदर घुसेंगे तो ये मिसाइल उन्हें ध्वस्त कर देगी। हालांकि दोस्तों, आप सभी की इस भारतीय मिसाइल के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।